नमस्कार दोस्तों दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में लेकर आए हैं हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी के होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी, जिनकी टोटल पोस्ट थी 420। तो उनका एग्ज़ाम का सिलेबस आ चुका है, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, जिससे कि इस वीडियो का बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या है। तो आपका सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपकी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आपकी एक नोटिस आई हुई है, ये 21 अगस्त 2019 को है, ठीक है, तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इसका आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2019 द्वारा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत कुल 420 पद थे जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो देख लीजिए आप कि क्या है सिलेबस इसका। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस। सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपकी है एग्जाम परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो इसमें प्रश्नों की कुल संख्या होगी 150 और समयावधि होगी 2 घंटा, यानी कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस करने होंगे और परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और 150 अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा है, ऋणात्मक अंक निगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% अंक होंगे, ठीक है। तो उसका पाठ्यक्रम ऐसे है कि आपका विषय क्या है, सामान्य अध्ययन व सामान्य विज्ञान यानी जनरल स्टडीज़ व जनरल साइंस रहेंगी। इनके प्रश्नों की संख्या रहेगी 50 प्रश्न रहेगी और इसके अंक कितने होंगे 50, समयावधि कितनी होगी 2 घंटे, और आपका जो विषय से संबंधित ज्ञान है यानी फार्मेसी से रिलेटेड इसके रहेंगे 100 क्वेश्चन और टोटल 150 और 150 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपका हो गया ये एग्ज़ाम स्कीम। और इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस आप देख सकते हैं डिटेल में दिया हुआ है। और ये आपकी जो PDF है, ये PDF आप up.sc.gov.in पे जाके आपके नोटिस, जहाँ पे सारे नोटिस दी हुई हैं उसमें ये दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और फिर आप डिटेल में पूरा पढ़ सकते हो। शॉर्ट में मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सामान्य अध्ययन में आप पूरा देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास यानी जो भी हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी, साइंस और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कृषि, एग्रीकल्चर, जो भी है सारा कुछ जनरल स्टडीज़ में आपका पूछा जा सकता। और ये जनरल साइंस रहा सामान्य विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी के प्रश्न दैनिक, यानी ज़्यादा डीप में न जाके एक जनरल साइंस क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आपका ये देख सकते हैं प्रोटीन, विटामिन, डायरिया, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां एवं बचाव, एनीमिया, विभिन्न बीमारियों में भोज्य पदार्थ का महत्व, टीकाकरण, मतलब कि ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। और विषय से संबंधी यानी कि आप फार्मेसी से रिलेटेड जो भी आप देख सकते हो, स्कोप ऑफ नॉलेज आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन और इट्स कंपोनेंट्स, जो भी आप पूरा टोटल ब्लड, प्राइमरी नॉलेज ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हार्ट, सारा कुछ आप देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि इस पर आपको वीडियोस दूँ, अपलोड करूँ इस चैनल पे। और ऑलरेडी भी आपके जो NHM से रिलेटेड जो वीडियो हैं, जो भी एग्ज़ाम्स जैसे CHO का हो गया, ANM और GNM हो गया, तो उस वैसे ही वीडियो, वैसे ही क्वेश्चंस इसमें भी आएंगे।
तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पे बहुत सारे अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं और उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट का रहा, आप जो है डिटेल में वहाँ से साइट से पीडीएफ को कॉपी कर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये ऊपर का ट्रांसलेशन है, जो भी आपका फार्मेसी से रिलेटेड जो भी सिलेबस है ये पूरा आपका दिया गया है, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सिलेबस और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए प्रेस बेल आइकन को, जिससे कि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।